हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो क्या आपको पता है कि हमारी अर्थ पर एक ऐसी जगह है जहाँ कोई जिंदा नहीं रह सकता? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बरमूडा ट्रायंगल की। सो आज के वीडियो में हम जानेंगे बरमूडा ट्रायंगल क्या है और यह कौन सा ऐसा राज है जो कोई भी यहाँ जाने के बाद वापस लौट नहीं पाता। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे बिना स्किप किए एंड तक देखिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है, जहां से आज तक कोई भी समुद्री जहाज या हवाई जहाज वापस लौट नहीं पाया। इस रहस्यमय जगह पर अनेकों एयरक्राफ्ट्स और शिप्स गायब हो गए। अटलांटिक ओशन में बरमूडा, फ्लोरिडा और पोर्टो रिको, इन तीन पॉइंट्स को जोड़ने वाला ये ट्रायंगुलर एरिया दुनिया के सबसे रहस्यमय चीज़ों में शामिल है। इस 5 लाख स्क्वायर माइल्स के एरिया का नामकरण विंसेंट गदिस नामक एक शख्स ने साल 1964 में किया। साल 1945 में USA के 5 नेवी प्लेन्स और 14 आदमी अपने ट्रेनिंग के दौरान इस एरिया में गायब हो गए। US नेवी ने जब इस पर इन्वेस्टिगेशन किया, तब उन्होंने इस मामले को कॉज अननोन घोषित कर दिया। इस बरमूडा ट्रायंगल ने अब तक 75 हवाई जहाज, 100 से ज़्यादा समुद्री जहाज और हजारों लोगों को स्वॉलो कर लिया है। हाल ही में 28 दिसंबर 2020 को एक समुद्री जहाज 20 पैसेंजर्स के साथ बहमास से फ्लोरिडा की ओर जा रहा था, लेकिन वो भी बहुत ही मिस्टीरियसली गायब हो गया। कई लोग बरमूडा ट्रायंगल को पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जोड़ के देखते हैं, वही कई लोग विश्वास रखते हैं कि यहाँ एलियंस रहते हैं जिसके कारण ये सब होता है। लेकिन साइंटिस्ट ने इन जैसे दावों को झूठा कहकर इसके पीछे की सच्चाई जानने का प्रयास किया। एक थ्योरी के अनुसार अर्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण यहाँ कोई मैग्नेटिक कंपास ठीक से वर्क नहीं कर सकता, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के साइंटिस्ट द्वारा बताए गए कारण को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया है। इस टीम ने साल 2016 में सैटेलाइट के जरिए इस जगह का निरीक्षण किया और उन्हें पता चला कि यहाँ पर विशाल और विध्वंसक हेक्सागोनल यानी षटकोणीय क्लाउड्स मौजूद है। इन क्लाउड्स को वे एयर बॉम्ब से विश्लेषण करते हैं। इन एयर बॉम्ब्स को काफ़ी विस्फोटक माना जाता है। यहाँ पे 170 माइल्स प्रति घंटा से भी ज़्यादा स्पीड में हवा चलती है, इसके परिणाम स्वरूप सी वेव्स लगभग 45 फीट की ऊंचाई को छूते हैं, जिसके कारण एयरक्राफ्ट्स और शिप्स इस तेज हवा और समुद्री लाटों को सर्वाइव नहीं कर पाए। सो दैट्स अप फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस चैनल पर आपको अच्छा कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।